बाढ़ से बेहाल असम का हाल जानने पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया हवाई सर्वे, नगांव, मोरीगांव, काजीरंगा का किया दौरा। असम में बाढ़ से 19 लाख लोग प्रभावित, 21 लोगों की जा चुकी है जान। काजीरंगा में सैलाब से एक गैंडे की हुई मौत। असम के बोंगाई गांव में बाढ़ प्रभावित, स्थानीय निवासियों की रंग लाई मेहनत, दरिया से बचने के लिए बनाया पुल। असम में चिरांग, बोंगाई गांव, गोलपारा, बक्सा, बारपेटा का बाढ़ से बुरा हाल, मदद में जुटी हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें और साथ में सेना। राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाके का लिया जायजा, बाढ़ से प्रभावित लोगों से की मुलाकात। असम के मोरीगांव में राजनाथ सिंह बाढ़ राहत शिविर का दौरा करने पहुंचे, पीड़ितों का उन्होंने दर्द जाना। बिहार में नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ का जबरदस्त कहर, किशनगंज के राहीमुनि गांव में पुल टूटने से दर्जनों गांवों का कटा संपर्क, नाव ही है सिर्फ सहारा। वाराणसी में उफान पर गंगा, प्रति घंटे 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है जलस्तर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में बारिश के चलते बड़ा नाले में तूफान, पुल के अभाव में जिंदगी दांव लगाकर रस्सी के सहारे पार करने को मजबूर हैं ग्रामीण। समस्तीपुर में सामने आया बच्चों के स्टंट का वीडियो, उफनती बूढ़ी गंडक नदी में पुल से लगा रहे हैं छलांग। तेलंगाना के कडप्पा में टूटा बारिश बाढ़ का कहर, सड़कों पर दरिया जैसा मंजर। कडप्पा में मूसलाधार बारिश से घरों में घुटनों तक पानी भरा, पूरी तरह से खस्ता हाल दिखी जिंदगी। बस स्टैंड पर जबरदस्त पानी भरा, बारिश और बाढ़ से आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, खम्माम, नलगोंडा, मेढक का बुरा हाल। आज फिर जाम से जूझी दिल्ली, बारिश के बाद आजादपुर इलाके में लगा लंबा जाम, आजाद मार्केट में पानी भरने से सड़कें बनी खतरा। दिल्ली में संगम विहार इलाके में जाम में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल, केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन के खोखले दावे हुए साबित। गुड़गांव में कई जगहों पर आज भी पानी भरा, 2-2 घंटे तक जाम से जूझते रहे चालक, हटाए गए पुलिस कमिश्नर बिर्क ने दिया बंदोबस्त का हवाला। कल 20 घंटे के जाम से जूझकर खुली गुड़गांव सरकार की नींद, अब भरे जा रहे हैं सड़कों के गड्ढे। जाम के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने किया ट्वीट, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव और बेंगलुरु को आंखें खोलने की दी नसीहत। वेंकैया ने ट्वीट में किया जिक्र, नालों की सफाई, अतिक्रमण पर कार्रवाई करे प्रशासन। और अब मौसम की वजह से वैष्णो देवी में एक हफ्ते से हेलीकॉप्टर यात्रा प्रभावित, यात्रियों की बड़ी परेशानी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान, अगले 48 घंटे तक दिल्ली समेत एनसीआर में होती रहेगी बारिश, 2 अगस्त को मध्य पूर्व भारत में जोरदार बारिश का पूर्वानुमान। कटिहार में अनाज के अभाव में भूख से बेहाल हुए बाढ़ प्रभावित, प्रशासन के दावों के बाद भी राहत कैंपों में लोग खाने को हैं मोहताज। देश में बाढ़ के कहर के बीच लातूर में अभी भी पेयजल का संकट, ट्रेन से भेजा जा रहा है पानी। महाराष्ट्र के पालघर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जल भराव की वजह से स्कूल कॉलेज किए गए बंद। मुंबई के चर्च गेट में एक पेड़ सुरक्षा गार्ड पर गिरा, इनकम टैक्स ऑफिस के करीब हुआ हादसा। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के कार्यक्रम में टेंट में अचानक गिरने से आने लगा पानी, मौजूद विधायक और नेता हुए हैरान। समस्तीपुर में सामने आया बच्चों के स्टंट का वीडियो, उफनती बूढ़ी गंडक नदी में लगा रहे हैं पुल के ऊपर से छलांग। मध्य प्रदेश का शाजापुर, बारिश के चलते बड़ा नाला उफान पर, पुल के अभाव में जिंदगी दांव पर लगाकर रस्सी के सहारे पार कर रहे हैं ग्रामीण। पंजाब के बठिंडा में नहर में करीब 70 फीट की आई दरार, 2000 एकड़ की फसल बर्बाद, प्रशासन के अनुसार चूहों की वजह से खड़ा हुआ है ये संकट। राजस्थान के धौलपुर में मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न, सड़कों पर आया नालों का गंदा पानी, लोग परेशान। आठवले ने कहा, अगर मायावती सभी जातियों के वोट के चक्कर में बौद्ध धर्म नहीं अपना रही तो बहुजन समाज पार्टी का नाम बदल कर करें सर्वजन समाज पार्टी। मायावती का पलटकार, कहा समाज के जागरूक होने पर अपना लूंगी बौद्ध धर्म।
ऊना दलित हिंसा पर विज्ञापन देने पर मजबूर हुई गुजरात सरकार। महात्मा गांधी और सरदार पटेल की तस्वीरों वाले विज्ञापन में ऊना मामले पर सख्त कदम उठाने की दलील। सितंबर में चीन में होने वाले G20 समिट में मिलेंगे ओबामा और प्रधानमंत्री मोदी। 4 और 5 सितंबर को बैठक, NSC और आतंकवाद पर हो सकती है बात। तंबरम और पोर्ट ब्लेयर के बीच हवाई सेवा बहाल। 22 जुलाई को वायुसेना के AN-32 विमान के लापता होने के बाद रोक दी गई थी यहां पर हवाई सेवा। नौगाम में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 जवान हुआ घायल। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादियों को मार गिराया। हरियाणा के झज्जर में दिल्ली पुलिस की आंख में मिर्ची झोंककर हत्या का आरोपी कैदी को भगा लेकर गया एक बदमाश। तिहाड़ से नरवाना जेल लाया जा रहा था कैदी। बदमाशों ने रोडवेज बस रोककर हत्या के आरोपी को छुड़ाया, पुलिस के हथियार भी छीन लिए। वेल्लूर में अफसरों के सामने देखते देखते पुल्लूर डैम में डूब गया किसान। अचानक डैम में गिरने के बाद तेज बहाव से तटबंध से हुआ था दूर। सोशल मीडिया में महिला मॉडल्स पर टिप्पणी कर फंसे कमाल राशिद खान। वर्सोवा पुलिस स्टेशन में एक वकील ने दर्ज कराई FIR। कानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की गंगा की आरती को लेकर मायावती के ललकारा। कहा दम है तो बेतु की बयानबाजी पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से निकाल। मलेरकोटला में भड़की हिंसा के आरोपी आप विधायक नरेश यादव की जल्द हो सकती है रिहाई। संगरूर सेशन कोर्ट से मिली जमानत। 15 अगस्त से गुजरात में वाहन चालकों की बल्ले बल्ले। आनंदीबेन सरकार ने कार समेत छोटे वाहनों को टोल टैक्स से किया मुक्त। तेलंगाना में इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर मेडिकल की CET2 परीक्षा के पेपर लीक पर लगी मुहर। CID रिपोर्ट में पेपर लीक की हुई पुष्टि। बेंगलुरु के बोमन हल्ले में विधायक सतीश रेड्डी पर महिला IFS अफसर से बसलूगी का आरोप। तमाचा जड़ने और दांत तोड़ देने की धमकी दी। अमेरिकी महिला से रेप के केस में पीपली लाइव फिल्म के सह निर्देशक महमूद फारूखी को दोषी करार दिया गया। 7 केस की अदालत ने सुनाया फैसला। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में T2 पहलवान नाम के शख्स पर हमला। अज्ञात हमलावरों ने बियर की बोतल से किया वार, फिर की फायरिंग। T2 ने भागकर अपनी जान बचाई। सोनीपत में अस्पताल में हुई महिला सरपंच की मौत। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाकर अस्पताल में किया हंगामा। अमृतसर पुलिस ने हेरोइन के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आए लोगों में एक महिला भी शामिल। कानपुर में पति को छोड़कर मायके में रह रही महिला ने बेटे को जहर देकर किया आत्महत्या। पति पर बेटा छीन लेने की धमकी देने का लगाया आरोप। हरियाणा के सोहना में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराने वाली महिला ने पति और सास ससुर को पीटा। CCTV में तस्वीरें कैद। तेलंगाना के नलगोंडा में हुआ दर्दनाक हादसा। यात्रा के दौरान बीमार इंजीनियर की मौत पर पत्नी ने 3 बच्चों समेत ट्रेन से कटकर कर लिया आत्महत्या। 60 साल की ऑनलाइन टिकट की जालसाजी केस में दिल्ली पुलिस ने 5 नाइजीरियाई युवकों को गिरफ्तार किया। 930 सिम, 50 मोबाइल फोन और पासपोर्ट के साथ कार भी जब्त। उत्तर प्रदेश देवरिया में एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ा घूसखोर लेखपाल। 15,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। अलवर में दुकान का शटर तोड़कर 35 लाख रुपए के मोबाइल ले उड़े चोर। चोरी के लिए एम्बुलेंस का किया इस्तेमाल। अवैध संबंध के शक में दोस्त ने की दोस्त के सिलेंडर से पीट पीट कर हत्या। दिल्ली के शास्त्री नगर की घटना। छपरा में एक शख्स ने एक ही रात में 2 नाबालिग लड़कियों से किया बलात्कार। घरेलू काम का झांसा देकर दोनों लड़कियों को अपने घर ले आया था युवक। छपरा मेडिकल में दोनों लड़कियों से रेप की पुष्टि होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और भेज दिया गया जेल। अलवर पुलिस के हत्थे चढ़ा वाहन चोरों का गिरोह, 3 गिरफ्तार। चोरी की 24 बाइक बरामद। हाजीपुर के अस्पताल में विक्षिप्त महिला का बच्चा गायब। अस्पताल प्रबंधन कर रहा था बच्चे की मौत की बात, लेकिन चाइल्ड वेलफेयर सेंटर को बच्चा बेचे जाने का शक, भेजा नोटिस। दिल्ली के लाजपत नगर में चाकू से वार कर प्रॉपर्टी डीलर की बेरहमी से हत्या। फरार आरोपियों की तलाश में 3 टीमें गठित की गई। दिल्ली के शास्त्री नगर में पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त ने दोस्त की जान ली, सिलेंडर से पीट पीट कर मार डाला।
बिहार के समस्तीपुर में दो महादलित युवकों की बेरहमी से पिटाई, पुरानी चुनावी रंजिश में पूर्व सरपंच ने हाथ पैर बांध कर पीटा। दरभंगा में डायन होने के आरोप में दलित महिला को पेशाब पिलाने की कोशिश, पीड़ित ने गांव छोड़ा, आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज। बीजेपी के MLC टुंडा पांडे पर छेड़खानी का आरोप लगाने वाली लड़की ने बदला बयान, कहा नहीं हुई कोई ऐसी घटना, मामले में गिरफ्तार हुए थे MLC। दिल्ली के हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट में नया मोड़, रशियन लड़की ने कहा सान्याल और दूसरे आरोपियों के खिलाफ बयान देने के लिए पुलिस ने डाला दबाव। लड़की के अनुसार वो सान्याल के साथ अपनी मर्जी से रह रही थी, पुलिस पर बयान दर्ज नहीं करने का लगाया आरोप। कटिहार में बलरामपुर के विधायक महबूब आलम ने इलाहाबाद बैंक के मैनेजर को मारा थप्पड़, मैनेजर ने अपनी कुर्सी पर नहीं बैठने दिया तो आग बबूला हुए विधायक। आरोपी विधायक ने मैनेजर को धक्का देकर बाहर निकाला, पीड़ित मैनेजर ने अपने सीनियर और पुलिस से की शिकायत। पठानकोट में बुजुर्ग महिला से पर्स छीनकर भागे दो बाइक सवार, CCTV में कैद हुई वारदात, लेकिन अभी तक पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में युवक की खौफनाक वारदात, प्यार में रोड़ा बने दोस्त के बच्चे को रामगंगा नदी में फेंका, दोस्त की बीवी से था अफेयर। आरोपी ने अपने दोस्त को बताया कि बच्चे के खेलते समय बच्चा नहर में गिर गया, लेकिन पूछताछ में सामने आई सच्चाई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के भदोही में नेशनल हाईवे 2 पर ट्रक की चपेट में आया कांवड़िया, मौके पर मौत, नाराज कांवड़ियों ने किया देर तक हंगामा, ट्रक को लगा दिया आग। बीकानेर में सेना के जवान ने 18 करोड़ की हेरोइन, विस्फोटक और डेटोनेटर बरामद किया, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओडिशा के बौद्ध जिले के BJD नेता पर BJP कार्यकर्ता पर पिटाई का आरोप, मंत्री को काला झंडा दिखाकर विरोध करने पर किया हमला। उत्तर प्रदेश के संबल में चिप्स को लेकर विवाद में ममेरे भाई ने फुफेरे भाई की हत्या कर दी, सिर में मार दी गोली। चिप्स पर हुए बच्चों के गोलीकांड और हत्या के मामले में कूदे बड़े, गोलीकांड में मृतक लड़के के घर पर 3 युवकों ने किया हंगामा, 3 युवक हुए घायल। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले केंद्र सरकार का पैतरा, मुगलसराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखने के लिए गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को लिखी चिट्ठी। जमशेदपुर के चट्टानी पानी इलाके में आजादी के बाद से अब तक एक पुल के लिए तरस रहे हैं लोग, जान जोखिम में डालकर लकड़ी वाले पुल से स्कूल जाते हैं बच्चे। चेन्नई में वॉकथॉन का आयोजन, छात्रों ने लगाई रेस। झुंझुनू में पुलिस ने 3 जालसाजों को दबोचा, RDO बनकर अफसर वाहन चालकों से करते थे वसूली। बेंगलुरु में महानंदा नदी के पानी पर छिड़ा घमासान, कन्नड़ संस्था के बंद के दौरान कोई जमीन पर लुढ़का तो किसी की सजी अर्थी। त्रिपुरा में पेट्रोल की कमी, 300 रुपए प्रति लीटर तक पहुंचे दाम, वाहनों की लंबी लंबी लगी कतार। मुंबई में नो हेलमेट नो पेट्रोल की नीति पर हुए विरोध के, फडणवीस सरकार फिलहाल बैकफुट पर, 5 अगस्त तक टाल दिया फैसला। पाकिस्तान से आए हिंदू तीर्थयात्रियों का दल पहुंचा गंगोत्री, दल में 147 हिंदू तीर्थयात्री शामिल। वीजा खत्म होने पर भी शादी के बाद भारत में रहने पर पाकिस्तानी नागरिक अकबर शाह दुर्रानी को 1 साल की कैद, देवास में अदालत ने सुनाई सजा। फेसबुक पर प्यार के बाद शादी के लिए 2013 में भारत आया था अकबर, जुलाई 2015 में खत्म हो गई थी वीजा की अवधि। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज से दूसरा टेस्ट मैच, भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को झटका, अंगूठा फ्रैक्चर होने से मुरली विजय बाहर, लोकेश राहुल लेंगे उनकी जगह। टेस्ट शुरू होने से पहले कप्तान विराट कोहली ने कहा पहले टेस्ट की तरह रहेंगे हम आक्रामक, यहां भी 5 गेंदबाजों के साथ उतरेंगे। सलमान खान से किसी भी विवाद से संजय दत्त ने किया इनकार, कहा सलमान मेरे छोटे भाई जैसे, समय की कमी की वजह से ज्यादा नहीं हो पाई मुलाकात। कल संजय दत्त ने मुंबई में मनाया अपना 56वां जन्मदिन, पत्नी मान्यता ने तोहफे में दी नई ऑडी कार। एक बार फिर से बनेगी संजय दत्त और महेश मांजरेकर की जोड़ी, मराठी फिल्म के रीमेक में दोनों निभाएंगे भूमिका। 7 अगस्त को दिखेगी फिल्म शिवा की पहली झलक, पब्लिक डिमांड पर अजय देवगन ने किया फैसला। सुंदर मोहित चौहान की बढ़ सकती है मुसीबत, कॉन्सर्ट रद्द करने पर अमेरिका के एक फर्म से हो सकती है कानूनी जंग। रियो शहर में ओपनिंग सेरेमनी के करीब पहुंचा ओलंपिक टॉर्च, 5 अगस्त को मराकाना स्टेडियम में होगा ओपनिंग का आयोजन। अमेरिका के सैन डिएगो में मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस वाले की मौत, सुरक्षा बलों ने घर की घेराबंदी कर आरोपियों को तलाशा। यूक्रेन के सुमी में डिफेंस फैक्ट्री में जोरदार धमाका, नाटो प्रतिनिधि समेत 3 लोगों की मौत। लीबिया के सरते में ISIS के खिलाफ लड़ाई तेज, आतंकवादी संगठन की पकड़ खत्म करने के लिए सेना ने संभाल लिया है अब मोर्चा।